नमस्कार, हंसी और मुस्कुराइए, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कड़ी में। आज के अंक में देखिए, हम लगभग सभी लोग अब तक परेशान रहे हैं किस बात से, कब्ज से। कब्ज से सारी बीमारियां बनती हैं और कब्ज एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे पेट से शुरू होती है और हमारे सारे शरीर में उतर जाती है और हम उसके घेरे में आ जाते हैं तो हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि गैस का बनना, अपच का होना, तेजाब बनना, और हमारे जो ऊपर जब चढ़ जाती है तो हमारे मानसिक तनाव पैदा हो जाता है सिर में, और ब्रेन हेमरेज आज की तारीख में अटैक तक भी इस गैस से आ रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हम एक दो अभ्यास बताने जा रहे हैं, दो आसन है ये, इनको करेंगे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे पेट में जो सड़न होती है खाने से उसको जो है दूर करता है ये। देखिए, ज़्यादा ना समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरह से करना होता है, इस तरह से बैठ जाएंगे और देखिए, हमें एक तेल लेना होगा, वो तेल सरसों का भी हो सकता है और तिल का भी हो सकता है, जो भी पर्याप्त हो आपको तेल लेना है। और तेल को इस तरह से थोड़ा सा लेंगे और अपनी पिंडलियों पे इस तरह से लगाएंगे। देखिए, ये चमत्कार सारा पिंडलियों से है। देखिए, इस तरह से लगाएंगे, ये हमने तेल लगा लिया। अब करना क्या हमें, देखिए, ऊपर की तरफ से हमें नीचे की तरफ इसको इस तरह से एक रगड़ के साथ इस तरह से लाना। देखिए, दोनों अंगूठे मिले रहेंगे हमारे इस तरह से, और इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे। देखिए, इस तरह से, इस तरह से, कोई कठिन नहीं है, बीमार जो परेशान है वो भी कर सकते हैं इसको, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए, आराम से इस तरह से इसको करना होता। देखिए, और आपको तुरंत फायदा होगा और गैस तुरंत शांत होगी इससे करने से। इससे क्या होता है कि हमारी जो ये इनके पिंडलियों के अंदर नसनाड़ियां बहुत होती हैं, इनका जो सबका जो है एक तरह से मसाज होती है, और मसाज होने से जो हमारे ब्रेड में भी इसका संचार होता है तेजी से, और हमारे पेट के लिए बहुत उत्तम है। हमारे पेट सीधा प्रभाव इसका सीधा पेट पर पड़ता है, आप करेंगे आपको लाभ होगा। तो पहला तो ये हो गया। देखिए, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लाना, इस तरह से। दूसरा अभ्यास है इसका, देखिए, इसी का, कि इस तरह से पकड़ेंगे और थोड़ी जगह छोड़ने के बाद फिर इस तरह से पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ी देर दवाई रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर पकड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर पकड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से ऊपर से स्टार्ट करना है, 10-10 सेकंड जो है, 5-5 सेकंड इस तरह से दबाना है, छोड़ देना, दबाना है, छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि बीच में जो हमारे ब्लड जो आएगा उसके बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागेगा इस तरह से पकड़ने से। देखिए, तो ये हमें ये अभ्यास करने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये है, देखिए, वज्रासन। वज्रासन एक अपने आप में एक रामबाण औषधि है ये, जो बिल्कुल ही कहते हैं कि बिल्कुल आलसी है हमारे भाई बहन या हमारे जवान, और जिन्हें पेट की शिकायत ज़्यादा रहती है और वो कुछ नहीं करना चाहते, तो मेरे भाई इतना ही कर लें तो आपको फायदा ही फायदा होगा। इसमें क्या, हमारे पैर के अंगूठे देखिए पीछे मिले रहेंगे इस तरह से, ये वज्रासन है, इस तरह से बैठना है इसमें, और ये वायु मुद्रा है, इसमें इस तरह से बैठ जाए, इस तरह से
हमें स्पाइन कमर को सीधा रखना है, इस तरह से बैठना। देखिए इसका अभ्यास ये बनाएं कि आप 5 मिनट बैठे हैं, उसके बाद धीरे धीरे 10 मिनट का अभ्यास करें और इसे 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। आप खाना खाने के बाद अवश्य करें इसको, और बाकी किसी समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसकी कितनी तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है। आपके डाइजेशन में बहुत बढ़िया काम करेगा ये, क्योंकि इन ये जो हमारी पिंडियाँ हैं, पहले बुजुर्ग लोग जो है इनको दबाने से ही बीमारी में आराम कर देते थे, तो ये बहुत ही उत्तम आसन है। तो इसको करें, लाभ उठाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।